अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे केके न्यूज हिंदी में स्वागत है। दूल्हा दुल्हन ने सवा लाख लोगों को एक साथ भेजा, ये खास मैसेज बन गया विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, रतलाम जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में एक शादी का यादगार बनाने के लिए लोग कई प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में दुल्हा दुल्हन ने किया। नव दंपति का ये प्रयास विश्व रिकॉर्ड बन जाने का दावा भी किया जा रहा है। रतलाम के वाघन खेड़ा में शादी में अनूठी पहल। दरअसल रतलाम जिले में वाघन खेड़ा निवासी कृष्ण पाटीदार की शादी गाँव कनवांस की राधेश्याम की बेटी माया से हुई। देश भर में इस समय लोकसभा चुनाव 2019 का माहौल होने के कारण कृष्ण व माया ने भी अपनी शादी में मतदाताओं को जागरूक करने का फैसला किया। बुधवार को दूल्हा कृष्ण व दुल्हन माया ने शादी के रिसेप्शन से ही रतलाम लोकसभा सीट के 1,25,000 मतदाताओं को एक साथ मैसेज भेजा है। एमपी सचिव वर्मा ने दिया विश्व रिकॉर्ड का प्रणाम। दूल्हा दुल्हन ने अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत के आशीर्वाद समारोह में सबसे पहले मंच में लैपटॉप पर बटन दबाकर एक साथ 1,25,000 लोगों को मोबाइल पर मतदान करने का टेक्स्ट मैसेज भेजा है। ये अनूठी पहल विश्व बन जाने का दावा भी किया जा रहा है। रतलाम शादी वर्ल्ड रिकॉर्ड के मध्य प्रदेश सेक्रेटरी गंगन वर्मा ने दूल्हा दुल्हन को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया भी है। इसके अलावा शादी में लोकतंत्र सेल्फी बूथ भी बनाया गया है और मेहमानों से 100% मतदान की अपील भी की गई है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट जरूरी है। बराती तेज प्रताप, अशोक धाकड़, कचूर राठौरा, समाज सेवी मुरली पाटीदार आदि ने बताया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें लोकसभा चुनाव 2019 के अनिवार्य रूप में मतदान करना होगा। रतलाम जिले में मोहनलाल मुरली वाला परिवार ने शादी के 1,00,000 से ज्यादा लोगों को मैसेज भेज वोट डालने की अपील करने की अनूठी पहल जो विश्व रिकॉर्ड बन चुकी है।